राकेश कुमार सिंह भदौरिया अब देश के नए वायुसेना चीफ हैं। देश के 26वें वायुसेना प्रमुख के रूप में उन्होंने 30 सितंबर को ही कार्यभार संभाला है। वायुसेना चीफ राकेश कुमार सिंह भदौरिया से जुड़ी कहानी आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। वायुसेना चीफ भदौरिया तेज दिमाग के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि वे शांत रहकर मुश्किल से मुश्किल काम को अंजाम दे देते हैं। कुछ समय पहले की बात है जब प्रतिबंधों के कारण भारत को फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाई थी। इस टेक्नोलॉजी के लिए कंट्रोल लॉज लिखना सबसे मुश्किल था। इस टेक्नोलॉजी के जरिए ही पायलट सहजता से सारे कंट्रोल कर पाता है। इस मुश्किल घड़ी में शांत रहकर मुश्किल से मुश्किल काम को अंजाम देने वाले वायुसेना चीफ भदौरिया ने सारे कंट्रोल लॉज लिख डाले और इसके बाद देश में ही फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी विकसित हो पाई। यही नहीं, आगरा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतारने के लिए भी कई तरह की लॉजिस्टिक से जुड़ी तमाम बाधाएं थी, लेकिन भदौरिया ने अपनी कुशलता से बेहद ही कम समय में इसका भी समाधान ढूंढ निकाले और फिर एक्सप्रेसवे पर मिराज उतारने का वायुसेना का मिशन पूरा हुआ। देश के 26वें वायुसेना चीफ बने भदौरिया अब तक 26 लड़ाकू विमान उड़ा चुके हैं। बताया जाता है कि भदौरिया ने करगिल जंग के दौरान कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग बदलकर सटीक बमबारी कराई थी। करगिल युद्ध में पाक ने स्ट्रिंगर मिसाइलें तैनात की थी, जबकि हमारे जगुआर विमान की बमबारी की कंप्यूटर प्रणाली उनसे निपटने के लिहाज से नहीं बनी थी, लेकिन भदौरिया ने यहां भी अपनी कुशलता का परिचय दिया और इसकी प्रोग्रामिंग ही बदल डाली। इसके बाद जीपीएस की मदद से पहली बार जगुआर से सटीक बमबारी हुई थी। पीएम मोदी की तरह भदौरिया भी विदेशी के बजाय स्वदेशी के पक्षधर हैं। भदौरिया भी मेक इन इंडिया में यकीन रखते हैं और काम के बहुत ज्यादा दबाव में भी वे सामान्य रहते हैं।